स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर जर्नल का क्या यूज़ है और जर्नल का मेन मोटिव क्या है। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो जर्नल के ऊपर बेस है, जर्नल की एंट्रियाँ किस तरीके की करेंगे आज हम वो लोग सीखेंगे। सबसे पहले जर्नल एक मतलब समझते हैं, जर्नल होता क्या है। इसे सिंपल लैंग्वेज में सीखें, जर्नल मीन होता है नॉर्मल, जैसे पढ़े तो सामान्य बोलता जाता है, हिंदी में क्या होता है सामान्य, मतलब मेरी नज़र में या अकाउंट्स में बोल जाए तो अकाउंट्स वो होता है जिसका कोई नहीं होता उसका अकाउंट्स होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका अकाउंट्स होता है। जो अभी सारे काम करते हैं, सेल, परचेज, पेमेंट रिसीव, जर्नल, इन दोनों को भी बुला दें साथ में। 16 बजे उठ के आ जाना, एक और नया लड़का है उनको भी बुला दें, उधर 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 बैठा हो, हाँ इधर। तो जनरल आता है, क्या आता है आपका जनरल, क्या होता है जनरल, जनरल का मतलब होता है जिसका कोई नहीं होता उसका जनरल होता है। जैसे हम लोग बहुत परेशान होते हैं, कहता है यार हमारा तो कोई नहीं तो ऊपर वाला है ना, हम बोल देते हैं कि हम भाई जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला है। ऐसे अकाउंट में जिसका कोई नहीं एक बार उसको कौन है जनरल। अब सर जनरल में होता क्या है, देखिए सबसे पहले दो रूल है, मैंने कल ही बताया था, अकाउंट्स के अंदर दो ही रूल होते हैं, एक होता है डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। क्या होता है, एक जिसको बोलते हैं डेबिट वाज कम और क्रेडिट वाज गो आउट, मतलब जो आए उसको डेबिट करो, जो चीज़ जाए उसको क्रेडिट करो। बहुत सी इंस्टीट्यूटों में जाओगे अकाउंट तो सिंपल है, दो चीज़ों में फंड है अकाउंट्स का, जो चीज़ आए उसको डेबिट करो, जो चीज़ जाए उसको क्रेडिट करो। लेकिन हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है, हम उसको धीरे स्लो करेंगे। पहले डी का मतलब होता है डेबिट, क्या होता है डी का मतलब डेबिट, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डेबिट, बाकी सब क्या है मतलब इन लोगों से पूछो, बाकी कुछ नहीं, कोई नहीं खड़ा गया यहाँ पर। डी फॉर डेबिट होता है, डी फॉर डेबिट होता है। डेबिट के तीन मतलब होते हैं, जिसको पैसा मिलेगा वो डेबिट होगा, क्या होगा पैसा मिलेगा डेबिट, तो डेबिट वाज कम और क्रेडिट वाज गो, और जिसके पास से पैसा जाएगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, जो वस्तु आएगी वो डेबिट और जो वस्तु जाएगी वो क्रेडिट। ठीक है, जो आइटम आएगी वो डेबिट एंड जो आइटम जाएगी वो क्रेडिट। सारे खर्चे डेबिट करो और सारी इनकम क्रेडिट करो, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस आर इनकम आर क्रेडिट। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा समझ में आ गया है। सबसे पहले एग्जांपल चलते हैं, परचेज की एंट्री को लेते हैं। अगर मैं किसी के पास काम करने जाता हूँ, वो कहता है सर मुझे इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, मुझे पार्टी का खाली खाता मेंटेन करना है, पार्टी का लेजर मेंटेन करना है, सर मैं किस तरीके से उसका लेजर मेंटेन करूंगा, मुझे इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है, तो मैं किस तरीके से इन्वेंट्री मेंटेन करूं। तो उसके लिए अगर वो कहता है परचेज की एंट्री करो, क्या बोल रहा है वो आपसे, परचेज की एंट्री आप करो, किसकी एंट्री बोल रहा है वो आपसे, तो सर वो तो अलग से भी कर सकते हैं ना, वहां से नहीं करनी ना, परचेज की एंट्री बोल रहा है, किसकी एंट्री बोल रहा है वो मुझसे, परचेज की। परचेज क्या होती है, जो चीज आती है वो डेबिट होती है, माल आएगा तो क्या होगा डेबिट, तो परचेज की एक एंट्री होती है, क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू पार्टी नेम। पार्टी नेम मीन्स उधार, जब उधार पे हम लोग खरीदेंगे। क्लियर, परचेज रिटर्न तो कैश ऊपर आ जाएगा, बैंक नीचे आ जाएगा, पार्टी ऊपर आ जाएगी और अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर है, सिंपल है, मतलब परचेज क्या हो गई आपकी डेबिट हो गई। जब आप किसी से माल खरीदोगे, अगर नगद में खरीदोगे तो आपके पास से क्या कम होगा, कैश कम हो जाएगा, बैंक से खरीदोगे तो क्या कम होगा, और पार्टी से उधार में खरीदोगे तो पार्टी का बैलेंस बढ़ जाएगा, पार्टी का बैलेंस बढ़ेगा तो उसके आगे एक वर्ड आएगा सीआर, सीआर मीन होता है जिसको हमें पैसा देना है। ठीक है, ये हमारे वो पर्सन होते हैं जो हम पे लायबिलिटीज है, जिनको हमें पैसा पे करना है, जिनको हमें पैसे देना है। ठीक है, ये हमारे काम होते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी से परचेज करूंगा तो मैं यहाँ क्या लूंगा डेबिट, मैं बोल दूंगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को क्यों डेबिट करा, क्योंकि माल आ रहा है, तो मैं क्या ले लूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का, मैंने बोला 1 लाख का, कितने का 1 लाख, कितने का 1 लाख, कितने का 1 लाख, किस कैसे आ रहा है, कैश में आएगा तो कैश, बैंक से आ रहा होगा तो बैंक, और किसी पार्टी के थ्रू आ रहा होगा तो पार्टी का नाम। क्लियर है, अगर मैं इस एंट्री को सेव करूंगा, सेव हो गई मेरी,
अगर मैं पार्टी का लेजर निकालू ओल्ड प्लस एल से किससे, और मैं यहाँ पर 34 डाल के पार्टी का लेजर देखूं, तो आप देखो पार्टी के लेजर में शो कर रहा है कि मुझे 1,00,000 रुपए उसको देना है। क्या मतलब 1,00,000 रुपए मुझे उसको देना है? क्या देना है मुझे? 1,00,000 रुपए उसको देना है। क्या करना है मुझे उसको? 1,00,000 रुपए देना है। मैं बता रहा हूँ, क्लियर है? 1,00,000 रुपए देना है, यहाँ लिख के आगे सी आर। और आप परचेज में देखोगे तो परचेज में ऑटोमेटिक एंट्री रिफ्लेक्ट कर गई, कितनी? 1,00,000। सर बाकी जो परचेज जो एंट्री होगी वो इसमें शो करेगी, लेकिन इसका टाइप चेंज हो जाएगा। हाँ क्लियर है? तो मतलब एंट्री आप यहाँ से करोगे उसके एंट्री लेजर में उसके अकाउंट ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। अगर आपसे कोई कहता है परचेज करो तो क्या डाउट होगा अब आपको? तो आपको क्या करना है, सिर्फ परचेज में आना है, यहाँ पर परचेज लिखना है, साथ में नीचे कैश बैंक पार्टी ने या फिर पार्टी ने, देन कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? आ गया समझ में? ये कब करनी है वैसे, ये समझ? जब वो कहता है भाई मुझे यहाँ से एंट्री नहीं करनी, मुझे आइटम मेंटेन नहीं करनी, मुझे पार्टी का खाली लेजर मेंटेन करना है, देन जनरल एंट्री। बहुत से क्लाइंट है यार, हम मैं नोट्स में भी तुम्हें दिखा सकता हूँ, पीछे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है? एग्जाम्पल दे रखा है कि आप अगर किसी के पास काम करने जाते हो, उसका पुराना खाता हो, कहते हैं इस खाते को बीसी के अंदर फिट कर दे, आइटम तुम्हें पता नहीं क्या क्या बेची, देन कैसे फिट करोगे? देन इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, उसको फिट करेंगे। क्लियर है? आ गया समझ में? आगे अगर कोई पर्सन मुझे क्या करता है, माल वापसी करता है, मैं उसके पास गया, मैंने कहा सर आपने जो मुझे माल दिया वो मेरी अकॉर्डिंग नहीं है, जो मैंने आपको फोन पे लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग नहीं था सर, ये तो बहुत डिफरेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें गलत है, रोंग है, फटा है, कटा है, मतलब बहुत सारी एरर है सर, मैं आपको माल वापसी कर रहा हूँ। देन जो चीज आपने क्रेडिट करी थी उसको आप क्या कर दो, आप और नीचे क्या कर दो आप, ऐसे। अब बीजी वाले को मैंने कहा सर आपका माल खराब है, अपना माल ले जाइए, बोल दिया, तो अब मैं क्या ले लूंगा, बीजी डेबिट कर दूंगा। क्यों? बीजी को पैसा मिल रहा है, क्योंकि जब उसको माल दूंगा तो मेरे पास से क्या हो जाएगा, अब उसको 1,00,000 रुपए देना है, 10,000 का माल वापसी कर दूंगा, दूंगा कितना, तो पैसा किसको मिल रहा है, बीजी को, तो बीजी क्या हो गया, और किससे कम हो रहा है बैलेंस, परचेज से कम हो रहा है, तो यहाँ पर परचेज नीचे आ जाएगी। क्लियर है? परचेज डाल सकते हैं, परचेज रिटर्न भी डाल सकते हैं। तो अलग नहीं, एक ही अकाउंट होता है भाई, कैसे बोल रहे हो आप, दो अकाउंट होता है, समझाता हूँ। इधर देखिए, यहाँ पर ये परचेज की एंट्री थी और ये आपकी परचेज रिटर्न की थी। पहले पार्टी को देना कितना था, 1,00,000। ओल्ड प्लस एल करा, ओल्ड प्लस यहाँ क्या डाला, बीजी, बीजी का बैलेंस देखिए, जीरो बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर 1,50,000 डाल रखी। तेरे को याद करो, ठीक है? कितना, 1,00,000 और 10,000 किए थे ना। हाँ तो 1,00,000 रुपए से देने भी तो थे पहले, बैलेंस कितना रह गया, रिटर्न तो 10,000 की थी ना। हाँ तो कितने पे देना है, तो मेंशन तो कर रहा है 90,000, लेकिन सर फिर भी यहाँ पर परचेज लिखा, अगर परचेज रिटर्न लिखे वो ज्यादा बेटर नहीं, कोई बेटर बहुत अच्छा है, अगर आपको ऐसा करना तो ज्यादा बेटर है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, मैं बना लेता हूँ यहाँ पर अकाउंट एक, नरेशन में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? इसका ग्रुप क्या होगा, परचेज अकाउंट, देन ग्रुप में, तो आप क्या कर दो, सेफ, सेफ हो गया आपका फटाफट। सेफ हो गया, अब इसको सेफ कर दो। क्लियर है? कितना, 1,00,000 देने थे, 10,000 माइनस हो तो वैल्यू कितनी रह गई, तो ये आपकी परचेज की एंट्री थी। एक बार चेक करिए क्या परचेज की और परचेज रिटर्न की किसी को दिक्कत है, परचेज रिटर्न की एंट्री अगर आपसे कोई मैनुअली खाता दे तो कर सकते हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है भाई, दो एंट्रियों में पूछ सकता है कोई भी, अगर प्रॉब्लम है
हाँ कोई बोलेगा तो कर देंगे परचेज की एंट्री। अब परचेज में और सारी चीज, किसी ने बोला अब सर परचेज ऐसे नहीं है, परचेज का आइटम का नेम है, मैंने आइटम वन परचेज करी है, आइटम टू परचेज करी है और उसकी वैल्यू कितनी है 1,00,000 रुपए। मैंने आइटम वन करी है परचेज, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1,00,000। मैंने एक आइटम वन परचेज करी जिसकी वैल्यू कितनी है, आरिफ यहाँ ध्यान दे पानी बाद में मिलियो, कितनी है 1,00,000 रुपए। जब वो अकाउंट्स के अंदर ऐसी एंट्री आपसे करवाने जाए ना, उसको मना कर देना, ऐसी एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं वो अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, आइटम का नहीं कर रहे हैं। अकाउंटिंग दो तरह की होती है, एक इन्वेंट्री अकाउंटिंग होती है और एक अकाउंटिंग अकाउंटिंग होती है। जो ही कर रहे हैं अकाउंटिंग कहलाती है, क्या कहलाती है अकाउंटिंग। यहाँ पर हम आइटम का नाम मेंशन नहीं कर सकते कि आइटम फिर कौन से ग्रुप में डालेंगे, कि कौन से ग्रुप की आइटम, ऐसा कोई ग्रुप दे रखा हमने। तो अगर वो इन्वेंट्री की बात करेगा देन यहाँ नहीं आना है, उसके लिए परचेज और सेल आपके लिए बनी हुई है। क्लियर है? आगे सर, अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि सर 10% डिस्काउंट हम दे रहे हैं, देन फिर कैसे करेंगे? तो मैंने बोला परचेज, मैंने किसी से परचेज करी तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना? मैंने 1,00,000 रुपए का माल खरीदा है। क्लियर है? कितने का माल खरीदा? 1,00,000 का, और मैंने कैश में खरीदा। लेकिन पार्टी ने बोला मुझे कि सर मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, कितना दूंगा मैं? तो मैं वो हमें कितना देगा? हम उसे कितना देंगे? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रह गया? तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? तो कितना? 5। डेबिट नहीं होगा, समझाता। अब 1,00,000 रुपए की आइटम मुझे 95,000 रुपए में मिल रही है। 1,00,000 की आइटम मुझे कितने में मिल रही है? 95,000 में मिल रही है। कितने का प्रॉफिट हो गया? तो मैंने क्या बोला, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट और ऑल इनकम आर क्रेडिट। तो इनकम क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। मतलब जो मेरी सारी कमाई होगी वो क्या होगी? मेरी क्रेडिट होगी। और मेरा खर्चा क्या हो जाएगा? इकबाल क्या हो जाएगा? सारा खर्चा हमारा डेबिट। क्या हो जाएगा? खर्चा हमारा डेबिट होगा और इनकम हमारी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी इनकम? कोई दिक्कत इसमें किसी तरीके की? डिस्काउंट रिसीव होगा तो इनकम है, और डिस्काउंट हम किसी को देंगे तो हमारा लॉस। अब यहाँ देखिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे। अगर यही देखिए एंट्री, सिंपल एंट्री तो समझ आ जानी चाहिए। सबसे पहले परचेज में तो परचेज तो पूरी 1,00,000 रुपए की हम दिखाएंगे, क्योंकि परचेज तो वैल्यू कितने के, साथ में आप लोग भी हाँ बोल दीजिए जिसको नहीं समझ में आया वो ना बोल दीजिए। कैश कितना? 95 एंड देन डिस्काउंट कितना? लेकिन देखो उसके ग्रुप में क्या है? एक्सपेंस। देन इज एक्सपेंसेस आर रॉन्ग बिकॉज क्योंकि पार्ट ऑफ द इनकम है, तो हम क्या ले लेंगे? इनकम एंड देन सेव। क्लियर है? ये हमारी इनकम हो गई। सर इसमें ये भी चेक करना पड़ेगा ये कौन से ग्रुप का है? नहीं, जब आप किसी का नाम लिखते हैं ना तो आप जैसे लिखोगे उसके साथ उसके ग्रुप भी दिखाता है। ठीक है सर, आपने ये डिस्काउंट कर दिया तो फिर सेंट्री वाला डिस्काउंट होता है वो भी वो अलग होता है ना। किसी को डाउट है इसमें? आगे चलें अब क्या करूं? चलो ये वाली परचेज अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए, कैश में देना कितना है? तो 5,000 क्या हो जाएगा? एंट्री हमने क्या करी? ठीक है, जीएसटी कहाँ से आ गया?
याद है एग्जाम की तरह अमन एंटी समझ आई अब अमन क्रेडिट होगा तो फिर एक देना पड़ेगा खर्चे सारे डेबिट होते हैं ना भाई तो यार देखो ना अमन 1,00,000 रुपए की आइटम आपको 95,000 रुपीज में देगा तो 5,000 क्या है आपका इनकम क्या होगी क्रेडिट हो गया यार तुम्हें ये साइड इक्वल करनी है कैसे करोगे क्लियर अमन लास्ट क्वेश्चन सर मैं किसी के पास काम करने गया उसने मुझे बिल में टैक्स लगा रखा है उसकी एंट्री कैसे करेंगे तो परचेज अकाउंट कितना 1,00,000 रुपए लिखूं पूरा डेबिट डेबिट कितना कितना तो हमें अब उसको देने यहाँ पर हम क्या ले लेंगे हम लोकल की बात करते हैं CGST अकाउंट डेबिट कितना 9% के साथ 18% के हिसाब से 9,000 रुपए और साथ में क्या हो जाएगा आपका SGST कितना 9,000 डेबिट कितना 2,000 आप बताइए ये क्यों डेबिट हुआ अब वो नहीं है जो बच्चे नए खड़े हैं वो देख लीजिए एक्चुअली हुआ क्या ना इसमें हुआ इसलिए कि उसने बोला 1,00,000 का माल ले लो गवर्नमेंट 18% तुमसे टैक्स भी दे रही है तो बिल में मेंशन कर देगा तो 1,00,000 की तो हम परचेज मानेंगे 18,000 का क्या मानेंगे हम लोग टैक्स इसलिए हमने इसको डेबिट करा क्यों क्योंकि अब उसको पे कितने करने ठीक है इसलिए हमने इसको क्या करा डेबिट कर अगर डिस्काउंट तो है ही नहीं अगर उसने बोला 5% डिस्काउंट भी है 1,05,000 रुपए डिस्काउंट भी है तो आप यहाँ पर 5% से पहले यहाँ की वैल्यू कम करके लिखेंगे बोलो 5 रुपए ही उसने डिस्काउंट दे दिया था तो आप यहाँ पर 17,500 कर दे और साथ में क्या बोल देते टू डिस्काउंट ठीक है कितना क्लियर अगर डिस्काउंट टैक्स से अगर पहले लगे तो ऊपर की वैल्यू चेंज होगी ना हाँ बिल्कुल वो तुम देख लेना तो सिंपल हो जाएगा ना वैल्यू पे ही होता है बोलो सर आगे एंट्री समझ में बीजी में कैसे करेंगे सिंपल देख लो अब बीजी में हमें सोचना ही नहीं सबसे पहले तो मैंने आपको बता रखी परचेज क्या होती है हमारी डेबिट होती है तो परचेज आगे क्या करेंगे डेबिट कितने की 1,00,000 की ठीक है फिर क्या लगाना है पीसी को डेबिट करो साथ साथ क्या करो उसको यहाँ पर आप डेबिट कर दो किससे CGST से कितना 9,000 फिर डेबिट 9,000 और ठीक है ये रिफंड की पेमेंट की बताना है क्रॉस एंटी मार लो क्या कर रहे वो सब बताना है ठीक है उसके बारे में लोग समझना है क्लियर है तो परचेज की आपकी कुछ इस तरीके की एंट्री अगर इसमें डिस्काउंट डालो तो ये कोई दिक्कत कोई है ये है ना यहाँ पर तुझे बस कम करना पड़ेगा यहाँ करना पड़ेगा कितना 1,17 एंड देन डिस्काउंट हो जाएगा क्योंकि 500 रुपये डिस्काउंट है ना ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना जनरल में ठीक है ये कर लेंगे अब आप लोग अब सेल के बारे में एक बात समझ लो जहाँ परचेज था ना सर जहाँ परचेज डेबिट हो रही थी सेल वहाँ क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी बस उल्टा हो जाएगा
जितनी एंट्री मैंने यहाँ समझाई है ना, जहाँ जहाँ मैंने परचेज लिखा था वहाँ वहाँ उल्टा कर दो, मतलब ये चीज ऊपर ले जाओ और वो चीज सारी क्या करो नीचे ले। मैं लिख रहा हूँ देखो उसमें, अब इसमें क्या करो, ये करो डेबिट कर दो कैश अकाउंट। अगर हम किसी को माल बेचेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बैंक आएगा या उधार में हम लोग। सेल या फिर आइटम, सर आइटम में आ गया लिख देते हैं बहुत से लोग, तो या तो सेल रिटर्न, ठीक है सेल एक तो सेल रिटर्न ऊपर हो जाएगा, देन कैश, बैंक या क्लियर है। अगर डिस्काउंट की बात करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू टू एक लाख रुपए मिल कितने रहे, 95,000 रुपए और 500 रुपए का हमारा क्या हो गया, 5,000 का डिस्काउंट। ये आपके एंट्री है, क्लियर है ये आपका। तो आज आपने कहा भाई क्या हो गया, देख कैश ऊपर नहीं लिख दिया, कैश नीचे दो ना। अब माल बेचेंगे तो क्या होता है, पैसा आता है, जो चीज आती है वो क्या होती है, तो कैश को डेबिट करा, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करा, क्योंकि लॉस है तो लॉस और लॉसेस आर डेबिटेड, तो ये लॉस है हमारे। क्लियर है, हो जाएगी इकबाल एंट्रियां सारी है, तो आप इस तरीके से करेंगे। कल मैं इसका आपको टेस्ट भी दूंगा एक छोटा सा, कि आप किस तरीके से बीजी के अंदर इस तरीके की एंट्री आप लोग कर सकते हैं।